हाँ बताओ। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो वेना का वो अपर बॉडी हमारे यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो यहाँ से पहले वेना का वो अपर बॉडी आता है और फिर इधर से लोअर बॉडी के अंदर वेना का वो लोअर बॉडी हमारा जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो आता है जाता है राइट एट्रियम के अंदर। फिर राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल से, राइट इधर कुछ होती है उसके अंदर कौन से वो इस राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से वो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर प्योरिफाई होकर वो आता है पल्मोनरी वेंस के अंदर, वेंस से वो जाता है राइट एट्रियम।